आपके ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस हैं बेसिकली आप उसको जो डेंटिशन के हैं उसके लिए आप जो आपकी डेंटिशन है उसको तीन प्लेन्स में देखते हैं बेसिकली। तो जो पहला प्लेन होता है उसको आप एंट्रोपोस्टीरियर प्लेन कहते हैं। एंट्रोपोस्टीरियर प्लेन बेसिकली ये है और इसमें जब आपकी मैलोक्लूजन होगी बेसिकली तो इसका मतलब ये होगा कि दांत या तो बहुत ज़्यादा इंटीरियरली पड़े हैं या स्केलेटन मतलब मैंडिबुलर और मैक्सिला बहुत इंटीरियरली पड़ा है या बहुत पोस्टीरियरली पड़ा है। और इसमें जो मैलोक्लूजन आप देखेंगे वो आपकी स्केलेटल क्लास 1, 2 या 3 होगी। दूसरा आपका जो है प्लेन वो आपका ट्रांसवर्स प्लेन है, उस वो इस तरह होगा यानी राइट से लेफ्ट तक आप कह रहे हैं। इसमें जो मैलोक्लूजन आप देखते हैं उसको आप क्रॉसबाइट कह देंगे या बेसिकली क्रॉसबाइट आ जाएगी उसके अंदर। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें सिर्फ पोस्टीरियर क्रॉसबाइट आएगी, जो आपका एंटीरियर क्रॉसबाइट होती है वो एंट्रोपोस्टीरियर प्लेन के अंदर आएगी मैलोक्लूजन। और थर्ड आपकी वर्टिकल है, वर्टिकल में जब आप देखते हैं तो उसमें ओपन बाइट या डीप बाइट आ जाती है। तो ये तो हो गई तीनों प्लेन्स जो आपने देखे हैं सेपरेटली। अब जो प्रॉफिट और एकरमैन की क्लासिफिकेशन है मैलोक्लूजन की बेसिकली, मैलोक्लूजन की तो नहीं बेसिकली वो डायग्नोसिस के लिए ही है कि पहले ये चीज़ देखनी है फिर ये चीज़ देखनी है। उसमें फिर इनका ओवरलैप है बेसिकली, जिसमें जो तीन टर्म्स बनती हैं वो आपकी हैं पिच, रोल और यॉ। तो उसमें बेसिकली आपने दो प्लेन्स के अंदर रोटेशन देखनी होती है अराउंड अ सर्टन एक्सिस। तो वो बेसिकली हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि किस तरह वो आपने डायग्नोज करनी होती है। तो सबसे पहले होती है पिच। पिच बेसिकली कहते हैं कि आपका ये अगर अच्छा उसको देखना कैसे है? देखना उसको इस तरह है कि जो आपके ये सारी लाइन आ रही है ना इंसाइजल एजेस और ऑक्लूजल प्लेन्स के साथ, यहाँ पे अगर एक लाइन लगा लें आप तो उसको आप कहेंगे कि ये एस्थेटिक लाइन ऑफ डेंटिशन है। एक आपकी एंगल्स लाइन ऑफ ऑक्लूजन होती है, वो लाइन होती है जहाँ पे अपर और लोअर टीथ कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, उस पॉइंट पे लाइन लगाएं तो वो होती है आपकी एंगल्स लाइन ऑफ ऑक्लूजन। और दूसरी आपकी होती है एस्थेटिक लाइन ऑफ डेंटिशन यानी जो मैक्सिला के टीथ हैं उनके इंसाइजल एजेस और ऑक्लूजल कस्प्स को जो लाइन मिलाएगी वो आपको वो उसको आप एस्थेटिक लाइन ऑफ डेंटिशन कहेंगे। तो पिच बेसिकली इस मूवमेंट को कहते हैं कि आपका ये अगर अपर अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एस्थेटिक लाइन ऑफ डेंटिशन है उसका रेफरेंस आपने लेना है इंटरकमिशियर लाइन से, यानी एक लिप कॉर्नर ऑफ द लिप से दूसरे कॉर्नर ऑफ द लिप तक अगर एक लाइन लगा लें तो उसको आप रेफरेंस लेके देखेंगे अपनी एस्थेटिक लाइन ऑफ डेंटिशन। तो उसके अराउंड आपने देखना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो आपके पास मूवमेंट होगी ना, ये अगर आपके पास नॉर्मल है, अगर ये इस तरह मूव कर जाए ऊपर को या इस तरह मूव कर जाए नीचे को, तो इसको आप कहते हैं पिच अप और पिच डाउन। अब आपने सिर्फ इसको याद अब आप ऑब्वियसली थोड़ा सा याद करना और समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये किस प्लेन्स में मूवमेंट हो रही है और किस एक्सिस के अराउंड हो रही है। तो सिंपल सी चीज़ है, जो तीन प्लेन्स आपने पढ़े हैं ना कि एंट्रोपोस्टीरियर है, ट्रांसवर्स है और वर्टिकल है, ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे होते हैं और दो प्लेन्स में मूवमेंट होती है और जिस प्लेन में मूवमेंट नहीं हो रही होती वो बेसिकली आपका एक्सिस होता है जिसके अराउंड बाकी दो प्लेन्स में मूवमेंट हो रही होती है। तो ये पिच है। पिच में आपको सिंपल नज़र आ रहा है कि वर्टिकल प्लेन में मूवमेंट हो रही है। तो और अगर आप इसको इस तरह करके देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि एंट्रोपोस्टीरियरली भी मूवमेंट हो रही है। फॉर एग्जांपल उसको समझने के लिए ऐसे कह लें कि अगर ये आपका एंटीरियर पॉइंट है जहाँ पे पेन दांत को टच कर रहा है, अब मैं इसको अगर पिच अप करता हूँ तो ऑब्वियसली ये दांत थोड़े से पीछे भी चले गए हैं, यानी एंट्रोपोस्टीरियरली भी ये मूव कर रहा है। तो दो प्लेन्स में ये मूव कर रहा है, यानी वर्टिकल प्लेन में भी मूव कर रहा है और आपका जो एंट्रोपोस्टीरियर प्लेन है उसमें भी मूव कर रहा है। तो और जो ट्रांसवर्स प्लेन है, तीसरा जो आपका ट्रांसवर्स प्लेन है ये वाला, तो अगर आप सिंपल देखें तो इस प्लेन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ये आपने उसको अप डाउन किया, ट्रांसवर्स प्लेन में कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक हो गया ना। तो पिच जो है वो मूवमेंट है बेसिकली आपकी एंट्रोपोस्टीरियर एंड वर्टिकल प्लेन्स, पिच इज द रोटेशन इन दी एंट्रोपोस्टीरियर एंड वर्टिकल प्लेन्स अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जिन दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है वो प्लेन्स हैं, जिसमें मूवमेंट नहीं हो रही बेसिकली उसके अराउंड मूवमेंट हो रही है, तो वो आपका रोटेशन का एक्सिस होगा। तो ये पिच है बेसिकली, यानी आपकी जो मैलोक्लूजन है वो एक ही टाइम पे वर्टिकल और एंट्रोपोस्टीरियर प्लेन्स दोनों में। फिर सेकेंड चीज़ आ जाती है रोल। रोल ये है कि आपका जो मैंडिबल सॉरी जो मैक्सिला है वो रोटेट हुआ है इस तरह, यानी आपने बेसिकली एस्थेटिक लाइन ऑफ डेंटिशन को ही देखना है।
तो अगर तो इस तरह मूव हो जाएगा तो ये आपका है रोल। अब इसमें किस किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो ऑब्वियसली अगर आप देखें ये इस तरह जा रहा है तो वर्टिकल तो मूवमेंट हो रही है, और अगर आप गौर से देखें तो इसमें ट्रांसवर्स मूवमेंट भी हो रही है। उसको समझने के लिए भी ये देख लें कि अगर ये इसकी रेफरेंस थी तो जब आप ये इधर को मूव करेगी तो ये ट्रांसवर्स प्लेन चेंज हो गया। ये वाले दांत जो है फॉर समझने के लिए नीचे वाले दांतों से ज़रा ज़्यादा करीब हो जाएंगे, उनका ओवरबाइट कम हो जाएगी और इस तरह वाले दांतों की ओवरबाइट ज़्यादा हो जाएगी बेसिकली। लेकिन अगर आप एंट्रोपोस्टीरियर देखें, यानी ये है ना आपका दांत ऊपर वाले मैक्सिला के, अगर मैं इनको इस तरह कर रहा हूँ तो एंट्रोपोस्टीरियरली कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो रोल जो है ये रोटेशन है इन दी ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल प्लेन्स अराउंड द एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस। तो ये बेसिकली आपने याद करना, यानी इस रोल जो आपकी मैलक्लूजन है या रोटेशन है वो दो प्लेन्स के इकट्ठे ख़राब होने की वजह से है, जो रोटेशन होने की। और लास्ट जो थर्ड है आपकी वो है यॉ। यॉ बेसिकली इस मूवमेंट को कहते हैं कि ये आपका है, अगर नॉर्मल है ना तो इस तरह मूव करते तो ये यॉ टू द राइट और यॉ टू द लेफ्ट हो जाएगा। तो इसमें मूवमेंट आपकी बेसिकली वर्टिकल प्लेन में बिल्कुल नहीं हो रही, एंट्रोपोस्टीरियरली चेंज आएगा जो इस तरह देखने से पता चल जाएगा आपको, और ऑब्वियसली ट्रांसफर चेंज हो रहा है इसके अंदर। तो ये सिंपल है कि आपका यॉ जो है वो रोटेशन है इन दी एंट्रोपोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स प्लेन्स अराउंड दी वर्टिकल एक्सिस। तो ये बेसिकली आपके जो तीन रोटेशन की मैलक्लूजन है बेसिकली वो कवर हो जाती हैं कि पिच रोल और यॉ किस तरह आपको पता चलेगा कि किस किस प्लेन्स में और किस एक्सिस के अराउंड रोटेशन होती है।